हजार पर गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्योंकि अब कनाडा में सवाल जिंदगी का है, सवाल धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का है, सवाल अपने अस्तित्व पर मंडा रहे खतरे को टालने का है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हिंदू समुदाय कल ब्रैम्पटन की सड़कों पर उतरा। ब्रैम्पटन के जिस हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया, वहीं से विरोध के स्वर बुलंद हो गए। जो अथॉरिटीज हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से असफल रही हैं। हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। We have been consistently discriminated, beaten. जिस कनाडा की प्रगति और विकास में भारतवंशियों ने अपना खून पसीना एक कर दिया, आज उसी धरती पर खालिस्तानी हिंदू समुदाय के खून के प्यासे बने हुए हैं। भले सरकार ट्रूडो की हो, लेकिन सिस्टम खालिस्तानियों का है और इसकी गवाही भी ब्रैम्पटन हमले में ही छिपी हुई है। ये तस्वीरें दो दिन पहले ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों के आतंक की वीडियो गवाही है और आज इस वीडियो का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। वायरल वीडियो के तीसरे सेकंड में ब्लैक कैप और ब्लैक व्हाइट हुडी में एक शख्स नजर आ रहा है जिसने खालिस्तान का झंडा पकड़ रखा है। हिंदू मंदिर पर हमले और हिंदुओं के साथ मारपीट में ये शख्स भी शामिल था। इसका नाम है हरिंदर सिंह सोही। खालिस्तान का झंडा बरदार हरिंदर सिंह की एक और पहचान है। खालिस्तानियों की अगुवाई कर रहा हरिंदर सिंह कनाडा पुलिस में सेरजेंट पद पर तैनात है। हरिंदर सिंह सैलरी कनाडा पुलिस की उठाता है, लेकिन काम खालिस्तान के लिए करता है। वर्दी पहनकर यह लगातार खालिस्तानियों के एजेंडे को धार दे रहा है। सोशल मीडिया पर हरिंदर सिंह सोही की वीडियो और तस्वीरें तैरने लगी तो दुनिया के सामने ट्रूडो का असली चेहरा भी सामने आ गया। कनाडा पुलिस ने आनन फानन में जांच का ऐलान कर दिया। हरिंदर सिंह सोही को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पुलिस के वेश में हरिंदर सिंह का खालिस्तानी चेहरा सामने आया हो। ये तस्वीरें कनाडा के टोरंटो की है, जहां हरिंदर सिंह सोही भारत विरोधी खालिस्तानी प्रदर्शन में शामिल था। यहां भी उसका ड्रेस कोड ब्रैम्पटन जैसा ही है और हाथों में खालिस्तानी सपोर्ट वाला बैनर। यह मामला सिर्फ हरिंदर सिंह सोही का नहीं है, कनाडा के सिस्टम में खालिस्तानियों की घुसपैठ की लंबी फेरिस्त है। इसी में एक नाम है संदीप सिंह सिद्धू, जो ना सिर्फ भारत में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी गैंगस्टर है, बल्कि कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी में भी सुप्रिंटेंडेंट के पद पर तैनात है। साफ है, कनाडा में सरकारी नौकरी की योग्यता का पैमाना खालिस्तानी होना जरूरी हो गया है। वोट बैंक के लिए बेकरार ट्रूडो खालिस्तानियों के प्यार में अंधे हो चुके हैं और इस बात को कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भी उठाया। Today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से कनाडा के ट्रूडो को पानी पानी कर दिया तो देश में भी इस मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कनाडा के मुद्दे पर कांग्रेस को खूब घेरा। देश का सबसे बड़ा विपक्ष देश के बाहर जाके गालियां देते हैं, वो अलग है, लेकिन कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार हो, बांग्लादेश में कत्लेआम हो, अगर देश के बहराइच में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलती है। असल में कल कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर भारतीय जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठा दिए थे। हालांकि इंदौर में आज कांग्रेस धर्मवीर गांधी के बयान से यू टर्न लेती दिखाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रूडो के ही खिलाफ नारेबाजी की। शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।